तो मुंबई की 6 सीटों और मुंबई के आसपास की सीटों पर जीत के लिए महायुति ने खास प्लान तैयार कर लिया है। वो प्लान है राज ठाकरे को आगे करने का। महायुति के उम्मीदवारों ने राज ठाकरे से मुलाकात भी की है और साथ ही साथ आरसीएम शिंदे ने मुंबई की सीटों को लेकर बैठक की है। उस बैठक में संजय निरूपम भी पहुंचे थे। संजय निरूपम जल्द ही शिवसेना में शामिल होंगे। आज महाराष्ट्र दिवस मनाया जा रहा है। राज्य के अलग अलग शहरों में कई कार्यक्रमों के बीच चुनावी सियासत भी तेज। एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी की बैठक बुला ली और मुंबई की 6 सीटों पर तैयारियों की समीक्षा की। चुनाव में क्या मुद्दे होते हैं? चुनाव प्रचार के मुद्दे होते हैं, चुनाव की स्ट्रेटेजी का मुद्दे होते हैं, तो वो मुद्दे पर चर्चा हुई। हमारे राहुल शेवाड़े, रविन्द्र वाइकर और हमारे यामिनी जाधव, इनके चुनाव क्षेत्र से प्रमुख पदाधिकारी यहाँ पर आए थे, उनको मैंने मार्गदर्शन किया। बहुत अच्छी बैठक हो गई है और ये तीनों सीट जो है मुंबई की शिवसेना के हम जीतेंगे। दूसरी बीजेपी की भी 3 सीट जो है, ये तीनों मिलके 6 सीट जो है मुंबई की, वो महायुति जीतेगी, ऐसा माहौल है यहाँ पर। शिंदे ने जो बैठक बुलाई उसमें हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले संजय निरूपम भी पहुंचे। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि वो जल्द ही शिवसेना की हो जाए। संजय निरूपम भी आके गए हैं, अभी उन्होंने सदिच्छा भेंट ली हुई है, वो जल्दी प्रवेश करने वाले हैं। आज मैं यहाँ पे बाला साहेब भवन में महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के बुलावे पर उनसे मिलने आया था। मिलने के बाद आगे की क्या भूमिका रहेगी, आगे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई और चर्चा के बाद यह तय हुआ है कि परसों मैं अपने सभी साथियों के साथ शिवसेना में दोपहर बाद कोई एक टाइम तय होगा मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में प्रवेश करूंगा। इस बीच महायुति ने मुंबई की 6 सीटों पर और मुंबई से सटी सीटों पर जीत के लिए राज ठाकरे को आगे करने का प्लान तैयार किया है। उस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे उम्मीदवारों ने राज ठाकरे से मुलाकात की। उन्होंने बिनशर्त सपोर्ट जो है महायुति के सभी कैंडिडेट्स को जो है दिया है, तो आज जो है उनसे मिलकर जो है उनका सपोर्ट जो है, उनका आशीर्वाद जो है हम लोग लेने के लिए आए हैं और वो भी जो है आने वाले समय में जो है बड़ी जोरों शोरों से जो है महायुति के सभी कैंडिडेट्स का जो है वो प्रचार और प्रसार करेंगे, जिससे बड़ी ताकत जो है महायुति के पीछे माननीय राज साहब की और मनसे की खड़ी रहेगी। देखिए, आज महाराष्ट्र दिन है और महाराष्ट्र दिन के शुभ अवसर पर मैं राज साहब ठाकरे जी को आज के शुभ दिवस की शुभेच्छा देने आया था, उनका मार्गदर्शन लेने आया था। अमित साहब ठाकरे को भी मैं मिला, उनको भी महाराष्ट्र दिन की शुभेच्छा दी, तो मेरे आने का निमित्त उनको शुभेच्छा देना और उनका मार्गदर्शन लेना था। महाराष्ट्र में महायुति ने 47 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि पालघर के लिए भी जल्द ही नाम तय हो जाएंगे। सौरभ अख्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।